तो यहाँ पे ये हमारा बढ़िया ये इजली नाश्ता बन के रेडी है। मैंने इसे कैसे बनाया है तो चलिए आपको बना के मैं दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये नाश्ता, जो कि सुबह की भाग दौड़ में आप फटाफट बना सकते हो। ये यहाँ पे हमारा ये टेस्टी सा नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ मिक्सी जार ले लिया है और हाफ कटोरी सूजी ले ली है और ये हाफ कटोरी ओस्ट है। इन दोनों को अच्छे से हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे इसको ये देखिए मैंने एकदम फाइन पाउडर बना लिया इसका। अब इसको हम डाल देंगे बॉल के अंदर और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कर्ड। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, सभी को बहुत ही पसंद आता है और साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए ओनियन है, साथ ही बारीक चॉप किए हुए ये टमाटो है और ये बारीक चॉप किए हुए कैप्सिकम। ये एकदम हमारे नाश्ते में बढ़िया फ्लेवर लाएगा ये सब। यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए हरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे ये कोरिएंडर लीव्स बारीक चॉप किए हुए, बहुत ही अच्छा इन सबका फ्लेवर आता है। और सबसे खासियत क्या है इस नाश्ते की, बहुत ही कम तेल में बन जाती है, टेस्टी भी लगती है। अब इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। एक ग्लास तक मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि सूजी है इसमें, ओस्ट है, ये पानी थोड़ा सा सोखेंगे तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, तो इसे हमें इस तरीके से गीला रखना है। तो यहाँ पे पूरा एक गिलास पानी मैंने ऐड किया है, हाफ कटोरी ओस्ट था, हाफ कटोरी सूजी था, यानी एक कटोरी मान लो, और इसमें एक गिलास पानी लग गया हमारा। इसे हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, यूँ कह लीजिए 10 मिनट के लिए, आप इसे रेस्ट के लिए जितनी देर छोड़ देंगे उतना ही बढ़िया हमारा ये नाश्ता जो है तैयार होगा। इसे हम ढक के रख देते हैं और इसमें लगा देंगे हम ऑयल, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ये मैंने ब्रश से इसमें ऑयल लगा दिया है, तवा भी हमारा गरम हो जाए अच्छे से। ये नॉन स्टिक का तवा जो है बहुत जल्दी ही गरम हो जाता है। अब इसमें मैं बटर को डाल दूंगी, इसको इस तरीके से प्रेस कर दूंगी एकदम गोल शेप में और इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब 1 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे, उससे पहले इसके ऊपर हम थोड़ी सी व्हाइट तिल डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और लुक भी अच्छा लगेगा इसका। थोड़े से मैंने व्हाइट तिल इसके ऊपर डाल दिए हैं, ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये बीच से थोड़े टूट गए, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे। इसके ऊपर से हम थोड़े से ऑयल को ग्रीस कर देंगे टाइट टाइट से। और अब इसे ढकने की जरूरत नहीं है, बस इसे हम प्रेस करके अच्छे से दोनों तरफ सेक लेंगे। और यहाँ पे अब हम इसे पलट देंगे बड़े प्यार से, ये
ये देखिए ये टूट गया था, कैसे जुड़ गया है, और तेल डालने से इसका कितना अच्छा बढ़िया, आपको मैं पास से दिखाती हूँ, कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है हमको, इस तरीके से प्रेस कर करके। और ये नाश्ता हमारा हो गया है रेडी, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से इसे प्लेट में निकाल लेंगे और सारे नाश्ते को हम बना लेंगे इसी तरीके से। ऑयल लगाएंगे, बस हल्का सा हमें इसमें ऑयल लगाना है, ज़्यादा नहीं। और एक चम्मच ये बैटर लेंगे, ठीक है, हम डाल देंगे, चारों तरफ से चला लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको फैला लिया एकदम सर्कल शेप में, और इसको हम ढक देंगे एक मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब इसे भी हम पलट देंगे ऐसे हल्के हाथों से उठा के, सॉरी फिर मैंने तेल तेल नहीं छिड़का था, तेल को मैं कैसे भूल गई। ये बहुत ही अच्छा लुक देगा हमारे ये नाश्ते का। अब इसे हम हल्का सा साइड साइड में तेल लगा देंगे, बस हो गया। अब इसे भी इस तरीके से प्रेस करके दोनों साइड से सेक लेंगे और हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नाश्ता हमारा रेडी है, इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है हरी धनिया की चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसके ऊपर ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया ये तिल का जो मैंने डाल दिया था, कितना अच्छा लग रहा है। और इतना सॉफ्ट ये नाश्ता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुंह में जाती मान घुल जाएगा। इसे मैं हरी धनिया की चटनी के साथ खाना पसंद करती हूँ। वाह अमेजिंग, आपको बता नहीं सकती मैं कितना टेस्टी ये नाश्ता है। इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में या आप कहीं बाहर जा रहे हो अपने टिफिन में बना सकते हो, या खुद नाश्ता आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसी तरीके से इजी इजी रेसिपी के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।